वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो चीज फटा है वो गला नहीं है, इसलिए अब हम आगे नहीं बोल पाएंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी टीम के दूसरे लोग आज की वीडियो में अपनी आवाज दें। कोई बात नहीं, पानी पानी पीने से ये गम नहीं जाएगा भाई, आवाज निकाल शुरू करो। और कीवी के बारे में भी जरूर बताना। अरे रौनक भाई, कीवी छोड़ो यार, पहले रिंकू सिंह की बात करने दो, मतलब माइंड इक्वल्स टू ब्लो हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये मैच नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले शुरू होने से कि आज से ये जो अकाउंट है ना, ये रिंकू सिंह फैन अकाउंट के नाम से ऑफिशियली जाना जाएगा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने आपको बता दिया था कि टूर्नामेंट रिंकू सिंह का ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट होगा, लेकिन अब भी जो हो गया ना भाई, उसने भेजा उड़ा दिया। मतलब ये भाई क्या क्रिकेटर है, हम तो माही भाई के लास्ट बॉल के छक्के से खुश हो जाते थे, जिसने तो लगातार पांच मार दिए। अगर आपने मैच नहीं देखा ना ब्रो, तो मेरी आपसे पर्सनल हमदर्दी रहेगी। रिंकू सिंह जबरदस्त है और उनसे पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर कोई डाउट है तो जाकर मैच की हाइलाइट्स देख लो। लेकिन एक और चीज जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में कीवी ऐप का लिंक है, उस पे क्लिक करके डाउनलोड करो। इस T20 लीग के मैच के बाद फ्री क्विज खेल के हजारों रुपए जीतो। 11 तारीख को पहला क्विज हम खेलने वाले हैं, उससे पहले ऐप डाउनलोड कर लो तुरंत से पहले और रेडी हो जाओ। याद रखना, मैच खत्म तो कीवी चालू। फिलहाल हम जो है मैच पर वापस आते हैं और आपको शुरू से बताते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही ना गुजरात फैंस के पास एक बुरी खबर आ गई थी। खबर थी कि कप्तान हार्दिक पांड्या इस मैच से बाहर हैं और उनकी जगह कप्तानी करेंगे राशिद खान। राशिद भाई भी एकदम क्रांतिवीर बनकर आए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली गुजरात इस टूर्नामेंट में दूसरी टीम बनी। इस मैच में गुजरात की तरफ से थे शुभमन गिल, जो एक वक्त पर कोलकाता की तरफ से खेला करते थे। कोलकाता की तरफ से थे रहमानुल्लाह गुरबाज, जो इससे पहले गुजरात के लिए खेला करते थे। और कोलकाता की तरफ से वापसी कर रहे थे लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि एक वक्त पर कोलकाता की तरफ से खेलते थे, उसके बाद पिछले साल गुजरात गए और अब की बार वापस से घर वापसी करके कोलकाता आ गए। कितना पारिवारिक माहौल है। माहौल भले ही पारिवारिक हो, लेकिन जितना ये मैच आखिर में इंटरेस्टिंग रहा है ना, शुरू में उतना ही ज्यादा बोरिंग था। पावर प्ले के बाद स्कोर था 54 रन के नुकसान पर एक विकेट। मतलब ना तो गुजरात से एकदम छप्पर फाड़ के रन बन रहे थे और ना ही कोलकाता वालों ने ज्यादा विकेट लिए थे। लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच बढ़ती साझेदारी कोलकाता के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इसको तोड़ा सुनील नारायण ने। अभिनव मनोहर ने आकर रन गति बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन सुरेश शर्मा का शिकार बन गए। एक ऐसे टाइम पर जब गुजरात मुश्किल में थी और उनके रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या उनके साथ नहीं थे, तब स्टेप अप किया साई सुदर्शन ने, जिन्होंने 38 गेंदों में 53 रन बनाए और बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन इस दाल का तड़का थे विजय शंकर। शंकर भाई ने ट्रोल्स को ट्रोल करने का काम किया। 18वें ओवर के बाद विजय शंकर 13 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे थे। अगली 11 गेंदों में उन्होंने 41 रन ठोक दिए। पिछले मैच में गेंदबाजों को पेल रहे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर अब की बार खुद पेले गए। आखिरी ओवर फेंक रहे शार्दुल को विजय शंकर ने लगातार 3 छक्के लगाए और देखते ही देखते गुजरात, जो कि 170-180 मैक्सिमम बनाते दिख रही थी, 20 ओवर के बाद 204 तक पहुंच गई। टारगेट अच्छा था, ऊपर से कोलकाता की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज अब की बार सिर्फ 15 रन बना पाए। मनदीप सिंह की जगह टीम में खिलाए जाने वाले नारायण जगदीशन को शायद किसी ने बताया नहीं कि वो मनदीप की जगह खेले हैं, लेकिन उन्हें मनदीप के जैसा नहीं खेलना है। वो भी 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में कोलकाता ने खेला मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने सुरेश शर्मा को सब्स्टिट्यूट करके वेंकटेश अय्यर को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया। कोलकाता वाले इस इम्पैक्ट प्लेयर का सबसे बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले मैच में सुरेश शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर बनकर 3 विकेट ले गए थे, और आज के मैच में वेंकटेश अय्यर ने क्या जलवा भी खेला है भाई साहब। 26 गेंदों में हाफ सेंचुरी। जिस भी गेंद पर वेंकटेश बल्ला लगा रहे थे मिडिल कर रहे थे, यानी ऐसा समझ लीजिए जो छू लिया वो सोना। नीतीश राणा के साथ मिलकर वेंकटेश अय्यर ने सेंचुरी पार्टनरशिप कर डाली। कोलकाता के लिए सब कुछ बढ़िया जा रहा था। वेंकटेश और नीतीश राणा का विकेट गिरने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि एक दो ओवर पहले ही कोलकाता वाले मैच खत्म करके साबरमती रिवर फ्रंट घूमने चले जाएंगे। लेकिन फिर आया इस मैच में पहला टर्निंग पॉइंट, राशिद खान। ये साल पठान का चल ही रहा है, पिक्चर सुपर हिट हो गई, और ये खिलाड़ी तो हमेशा से ब्लॉकबस्टर रहा ही है यार। राशिद ने खुद को आंद्रे रसल के लिए रोक कर रखा था। दोनों का आमना सामना हुआ 17वें ओवर में, जब कोलकाता को जीत के लिए 24 गेंद में 50 रन की जरूरत थी। अगली 3 गेंदें सुनिए। आंद्रे रसल विकेट के पीछे पकड़े गए। अगली गेंद पर
पर सुनील नारायण डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे और फिर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को LBW करके T20 में अपनी चौथी हैट्रिक पूरी करी राशिद खान ने। उसके बाद रही सही कसर मोहम्मद शामी ने निकाल दी थी। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 29 रन चाहिए थे। शाहरुख खान ने खुद टीवी बंद कर दी होगी, लेकिन रिंकू सिंह जब क्रीज पर डटे हो तो आइंदा हिंदुस्तान में टीवी कभी बंद नहीं होगी। रिंकू भाई ने लगातार 5 छक्के मारकर कोलकाता को जीत दिलाई है। यार शाहरुख भाई एक हफ्ते के लिए मन्नत खाली करो, रिंकू भाई का सिंहासन लगाओ वहां पर। पूरे अलीगढ़ का नाम रोशन कर दिया रिंकू सिंह ने। इस मुद्दे पर हम और भी ज्यादा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ वापस से रिंकू सिंह की। सुबह को दिन को रात बोले बोलो रात है, रात को सुबह बोले बोलो। रिंकू सिंह ने जो काम किया ना, सच में मैं आपको बताऊं, मैं इतना गारंटी से बोलता हूं कि 90% प्लस लोग और मैं, मुझे मिला लो। जब लास्ट ओवर आया ना, मैंने कहा 32 क्या बनने। अच्छा एक सिंगल जब उन्होंने लिया ना और दूसरे जब रिंकू ने एक छक्का मारा, मैंने कहा क्या बनने लगा। मैं बात करने लगा, मैं टीवी बंद करने लगा। फिर मैंने सोचा यार चलो देख ही लेते हैं क्या होता है। देखा तो देखा ना, उसने दिमाग हिला डाला। मैं कहता हूँ लाइव झिंगा लाला बना दी भाई, क्या बना दिया यार। सच में नामुमकिन चीज थी, सच बोलूं नामुमकिन चीज थी। मैं कहता हूँ जिसने जो स्कोर बनाया ना, उन सबकी जो है ना पारी एक तरह बिल्कुल और इनके बारे में कहा जाता है इनको इतना टीम में मौका नहीं मिलता था। हाँ, ये पानी पिलाते थे, पानी पिलाते थे बाकी। बहुत ही इन्होंने क्या कमाल कर दिया। एक बहुत ही गरीब एक मिडिल क्लास फैमिली से और मतलब और आज इन्होंने अपना नाम चमका दिया, स्वागत कर दिया। रिंकू सिंह रिमेम्बर द नेम यार, यार सही बात है। बड़ी टीम आ जाए ना, बड़ी से बड़ी टीम आ जाए ना यार, सच में मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा कि यार 30 स्कोर बन सकता है। मैं कहता हूँ 90% लोग यही समझ रहे होंगे भाई गुजरात जीत जाएगा मेरे समय। मैं भी यही समझ रहा था भाई। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।